नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है रायपुर की, जहां हनी ट्रैप, जैसा नाम से ही जाहिर है कि हनी यानी शहद और ट्रैप मतलब जाल। एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहां फंस गया है और किसका शिकार बनने वाला है। खूबसूरत महिला एजेंट्स अपने हुसन के जाल पैसों वालों को फंसाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठती हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बहुचर्चित केस हनी ट्रैप में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस खेल में छत्तीसगढ़ के कई पंछी फंसे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के कई अधिकारियों और नेताओं के नाम उजागर होने के बाद हनी ट्रैप गैंग की एक महिला श्वेता जैन की डायरी के कुछ पन्नों में छत्तीसगढ़ में टारगेट किए गए लोगों की लिस्ट भी मिली है। छत्तीसगढ़ के 3 पूर्व मंत्री, 4 IAS, 1 IPS और 1 मीडिया हाउस से जुड़े एक वरिष्ठ व्यक्ति का नाम सामने आया है। इन पन्नों में शीर्षक में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पंछी, उसके बाद नीचे साफ लिखा है कि किससे कितना लेना है। इन पन्नों में 9 लोगों के नाम हैं जिनसे लेन देन की रकम और अन्य बातों का जिक्र देखने को मिल रहा है। शुरुआती जांच में ही यह खुलासा हो चुका है कि हनी ट्रैप गैंग की श्वेता जैन और बरखा सोनी का कनेक्शन 2016 से ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्रियों, विधायकों और कुछ अधिकारियों से अच्छे संबंध रहे हैं और साथ ही बस्तर संभाग में इनका आना जाना लगा रहता है। SIT की टीम जांच में जुटी हुई है कि इनने किन किन लोगों को अपने जाल में फंसाया है। डायरी के 2 पन्ने एक्सक्लूसिव रूप से मिले हैं। यह पन्ने सोशल मीडिया के माध्यम से हासिल हुए हैं, इसीलिए इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती। डायरी के पहले पन्ने पर मोनिका के क्लाइंट लिखा है और लव तीर का निशान भी है। इसके बाद क्लाइंट, मनी और बैलेंस राशि का जिक्र है। पहला नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में संगठन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति का नाम है, जिसके आगे 1.5 लाख या करोड़ का जिक्र है। इसी तरह संजय नाम के आगे 50 लाख का जिक्र है तथा शेष 75 बकाया होना लिखा है। तीसरा नाम रायपुर का IMG लिखा है, इनसे 2.5 लाख या करोड़ का जिक्र है तथा 1.5 लाख का बैलेंस बताया गया है। अन्य नामों में संजय, MG रायपुर तथा एक अन्य प्रभावशाली भाजपा नेता का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है। इनसे मिलने वाली रकम 3 लिखा है तथा काम पूरा होने की बात है। उपरोक्त सभी रकम लाख में है या करोड़ में, यह साफ नहीं हो सका है। डायरे के एक और पन्ना में सनसनीखेज नामों का खुलासा हुआ है, जिसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ के पंछी। इसमें पहला बंसल साहब का है, जिन्हें 3 देना और 1 लेना बताया गया है। इसी तरह चौधरी भाई से 2 लेना बताया गया है, जिसमें 1 भोपाल में और 1 गोवा में हवाला के माध्यम से लेना बताया गया है। तीसरा नाम चौंका देने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर से संबंध रखने वाले प्रमुख भाजपा नेता के नाम का जिक्र है। इनसे 2.5 लाख आना तथा 5 NGO के माध्यम से लेना शेष बताया गया है। एक नाम OP है, जिसमें हाउस इजी लिखा है तथा इसमें 75 दिया और 25 देगा लिखा हुआ है। HD मीडिया के आगे नहीं दिखा लिखा है तथा 1 देगा लिखा हुआ है। एक अन्य नाम किसी मंत्री का है, जिसका नाम के आगे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इसमें 3 दिया हुआ है, बताया गया है कि साथ में लंदन ट्रिप भी जोड़ी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस खेल में किस किस पर गाज गिरती है, देखने वाली बात। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।